जो तुम अपने बेटा को बुलाई है, क्या दिक्कत वहाँ? दिक्कत तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है रे। क्या दिक्कत है माँ? तुम अपना बेटा से बोलो कि तुम्हारे पास में क्या कष्ट है। आला सिंह, मैंने तुमसे छिपा करके बाबू रुद्र सिंह को बहन के दरबार मैंने भेजी थी भरदुतिया तोड़ने के लिए। क्या रुद्र सिंह को? हाँ, आगे बोलो। एक समय की बात है, बाबू रुद्र सिंह ने गया था जंगल शिकार खेलने के लिए। जंगल में देखा कि पूरब का मुसाफिर पश्चिम और पश्चिम का मुसाफिर पूरब, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर जाते हुए एक मुसाफिर को बाबू रुद्र सिंह ने पकड़ करके कहने लगा कि रे तुम लोग कहाँ जा रहा है? छोटा मोटली और बड़ा मोटली लेकर के मैं किसी को देखता हूँ छोटा मोटली और किसी को देखता हूँ बड़ा मोटली। वो मुसाफिर ने रुद्र सिंह के कानों में भर दिया कि अरे मूर्ख राजा, आज का दिन ऐसा दिन है कि आज का दिन वो जो करोड़पति है, जो लाखपति है, जो सबसे गिरा हुआ आदमी है, गरीब परिवार का लोग, आज वह सभी के सभी अपने अपने बहन के दरबार जा रहा है। आज भरदुतिया पर्व है, क्या तुम्हारे पास बहन नहीं है कि तुम जंगल में इस तरह रह रहे हो? रुद्र सिंह के ये बात दिमाग में हिट कर गया, जंगल को छोड़ा और अपने माँ के चरणों में उपस्थित हो गया। कहने लगा कि माँ आज तू बोल कि मेरे पास में बहन है या नहीं है। मैंने तो बोली थी नहीं है बहन, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोली कि बहन है। क्या करूं बेटा, उस टाइम में बाबू रुद्र सिंह अपने ही तेगा से अपने ही गर्दन में लगाना चालू कर दिया, जमीन पे सर पटक पटक करके रोने लगा कि माँ अगर आज तुम नहीं बोलेगी बहन है तो मैं अपने आप को प्राण को तेज दूंगा, तुम बेटा रुद्र सिंह से हाथ धो बैठेगी। अंत तक मैंने नहीं बताई, फिर भी वह लास्ट में आकर के कहने लगा कि माँ ठीक है हम जंगल की ओर रवाना हो जाएंगे, आज तुम माँ मेरे सर पे हाथ देकर के कसम खा लो के भगवान मेरा बेटा बाबू रुद्र सिंह मर जाए बहन नहीं है। जब बेटी रहती है मैं कैसे कसम खा देती, मैंने बेटा लगा कर वो कैसे खसम खाती है। उस टाइम में मैंने बाबू रुद्र सिंह को बोल चुकी थी कि हाँ बहन है, फौरन वो घोड़ा को तैयार किया और बहन के दरबार जाने का फैसला कर लिया। जैसे हुआ बहन के दरबार जाने का फैसला कर लिया, मैंने मना करती रह गई लेकिन मेरी बातों मार नहीं आया, हुआ चला गया बहन के दरबार। बहन के दरबार जैसे गया दूल्हा जी ने उसे मरा भागी ने बाबू बिजली सिंह वह बन फांस में फंसा करके दूल्हा जी ने उसे गांव के उत्तर साइड ले जाकर उसके ऊपर सिंह का मंदिर तैयारी कर दिया। क्या माँ? अरे आज रुद्र सिंह ने गया अपने जीजा जी को दरबार, लेकिन आज जीजा जी उसे बंदी बना करके माँ उनके ऊपर सिंह का मंदिर तैयारी कर दिया है। इसमें बताइए गलती किसको है बेटा? आज तुमने अपने बेटा को दुश्मन बनाया और छोटा बेटा को तुम्हें अपना बना करके आज दुश्मन को दरबार माँ तुमने भेज दिया। मैं नहीं भेजती थी रे। अगर वही बात तुम्हारे पास मेरा तो माँ कम से कम तुम हमसे समझ लेती कि बेटा रुद्र सिंह को मैं यहाँ से उधर दे रही हूँ। उस टाइम में किसी का बात वह नहीं मानता था, सिर्फ यही जबान पर था कि बोलो माँ बहन है या नहीं, ऑर्डर देती है या नहीं देती है, बस कट मरने मरने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन माँ ये तुम अच्छा किया नहीं किया। जोरा सारे बेजोरा बन ले रे
माँ, अब तुम यहाँ से रंगमहल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिरसा किला। लेकिन दुलड़ी बेटी को साथ हवस लगाते हैं ना। अरे माँ, जो तुम्हें अरमान है मैं अवश्य पूरा करूँगा। माँ, अब तुम यहाँ से रंगमहल जाओ, हम दोनों भाई के लिए और मेरी बहन के लिए तुम्हें भोजन बना करके तैयारी रखना। छोटा बच्चा बाबू रुद्र सिंह ने एक हफ्ता का ऑर्डर लेकर के बहन के दरबार गया था, तुम कितना रोज में आएगा? माँ माँ, अरे जब तक मेरा बाबू जंगी रुद्र सिंह मेरी बहन नहीं आएगी, तब तक लौट करके मैं बांधो किला सिराज मोहा नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं बैठती हूँ। ठीक है, जाओ बैठा लो।